नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार नागपुर से बायोफ्लॉक प्रैक्टिकल लर्निंग में फिर से एक बार सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और फिर से एक बार बोलना चाहता हूं कि जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। और फ्रेंड, मैं बता दूँ कि आज मेरे टैंक में जो है पूरा सेकेंड थर्ड डे अभी रनिंग चल रहा है, और उसका मैं अपडेट आपको देता हूँ कि किस तरीके से जो है फिशेज जो है फीडिंग ले रही है मेरे टैंक में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी मेरे भाई पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और कुछ अगर बात हो तो कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों, मैं उस कमेंट्स पर ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों, आइए आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है मेरी फिश जो है फीडिंग ले रही है। दोस्तों, आज जो है बायोफ्लॉक के टैंक में मेरे पंगास सीड्स को डाल के ये मेरा सेकेंड डे है, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी एक्टिव हो चुकी है। आपको मैं दाना डालते हुए बताता हूँ, ये देखिए काफ़ी एक्टिव फिशेस जो है दिखाई दे रही है। और अब जो है, अब मुझे लग रहा है कि ये इस टैंक में जो है अभी पूरी तरीके से सेटल्ड है, और देखिए किस तरीके से जो है दाना ले रही है। अभी जो कि मैंने अभी इसको स्टॉकिंग टैंक में रखा था, तो पहले ये इस टैंक पे मॉर्निंग तक के जो है फीडिंग नहीं ले रही थी फ्रेंड, अब जो है ये सेटल हो चुकी है यहाँ पर, और अब जो है उसको हैबिट हो गई होंगी इस टैंक की भी, और मैं भी जो हूँ एवरी डे इस पर वर्क कर रहा हूँ, तो ये भी इस फिशेस को जो है हैबिट हो चुकी है। तो दोस्तों, अब जो है ये पूरी तरीके से सेट है, तो फाइनली जो मेरा टारगेट था कि मेरे बायोफ्लॉक टैंक में फिशेस जो है हेल्दी रहे, तो वो दोस्तों आप लाइवली देख सकते हो, लाइवली आप देख पा रहे हैं। और ये जो सीन है ये नाइट का सीन है दोस्तों, एरिएशन पाइप भी मेरे ऑन है, और वाटर कलर भी आप देख सकते हो किस तरीके का वाटर कलर है, और फिशेस की एक्टिविटी तो दोस्तों आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर मैंने एक लाइट भी लगा रखा है, ताकि अगर मैं कभी नाइट में वीडियो शूट करूँ और जो भी अगर मुझे चेक करना रहा तो वो मुझे लाइट में दिख जाए। देखिए पूरा जो फिट था उन्होंने ख़त्म कर लिया है। तो आप जो है दोस्तों, मैं अपने बायोमास का जो है 2.5% फीड मैं इनको दे रहा हूँ, और जो कि दोस्तों ये फीड जो है थोड़ा सा बड़े साइज का है, ये मैं वैसे तो 1.2 mm इनके लिए लाने वाला था, लेकिन जो अवेलेबल नहीं मिला मुझे, तो मैंने दोस्तों अभी फ़िलहाल में 1.8 mm का दाना जो है मैं इसको दे रहा हूँ। और इस ये जो है ग्रोवेल का है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और जो कि इसमें 30% का प्रोटीन अभी है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है ये फीडिंग अभी ले रही है। तो अभी तक तो मुझे ठीक लग रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम होंगी तो ज़रूर आपके सामने शो करूँगा। तो दोस्तों, ये है मेरे सेकेंड डे का अपडेट बायोफ्लॉक टैंक में, और सेकेंड डे में फिशेस जो है पूरी तरीके से इस टैंक में एक्टिव हो चुकी है, और जो कि ये टैंक भी काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी हो सकता है इसमें अच्छे से वो ग्रो करे। फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितने अच्छी तरीके से जो है मेरी फिशेस जो है वो फीडिंग ले रही है, कितने एक्टिव तरीके से, मैं थोड़ा नज़दीक ले जाके आपको बताता हूँ। देखिए कितने अच्छे से जो है ये फिशेस जो है वो फीडिंग ले रही है, और दोस्तों जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है, आप देख ही सकते होंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी पॉजिटिव अपडेट। अब जो भी भाई मुझे फॉलो कर रहे हैं उनमें अभी काफ़ी
कॉन्फिडेंस फील हो रहा हूँ इस चीज़ को देखते हुए। और जो भी मेरे शुभचिंतक मुझे सलाह देते हैं उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों, और उनकी हेल्प के वजह से। और जो मेरे भाई YouTube पर भी काफ़ी जो है मुझे फॉलो कर रहे हैं उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दोस्तों ये जो मैं हूँ अभी 1.2 mm का दाना जो है मैं इन्हें दे रहा हूँ, और ग्रोवेल का ये दाना है, काफ़ी ब्रांडेड है ये। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि ग्रोवेल में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बट मुझे तो अभी कोई प्रॉब्लम इसमें दिख नहीं रही है, और मुझे यही अवेलेबल मिला है इसलिए मैंने ग्रोवेल ही लिया है। और दोस्तों एक चीज़ और, इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा CN रेशो के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, और एक वीडियो इसके अभी फ़िलहाल के जो अमोनिया टेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, कि बैक्टीरिया किस तरीके से वर्क कर रहा है। और जैसे कि फिशेस जो है मेरे टैंक में आ चुकी है, और फर्स्ट डे तो मुझे अमोनिया कोई दिखा नहीं था, तो मैंने मोलासेस भी ऐड नहीं किया था, और अब जो है मैं इसमें CN रेशो के ऊपर भी वर्क करने वाला हूँ। पहले इसका अमोनिया मैं चेक करके एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा कि अमोनिया लेवल जो है अभी 2-3 डेज़ में क्या क्रिएट हुआ है, कितने PPM अमोनिया जो है वो शो कर रहा है मेरे टैंक में। एंड देन जैसे ही अगर मुझे अमोनिया वगैरह इसमें दिखाई देता है तो ही मैं गुड़ और मोलासेस जो है ऐड करूँगा फ्रेंड। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है फीडिंग जो है फिशेस ले रही है, और जो कि फंगल इन्फेक्शन भी आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें किसी तरीके का कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है। और दोस्तों जिस दिन से मैंने इसका ट्रीटमेंट किया है, और फर्स्ट डे ही जो था, देखिए अभी थोड़ा सा मेरी आवाज़ के कारण जो है फिशेस थोड़ी डर भी जाती है तो नीचे चले जाती है ये। तो दोस्तों जो मॉडलिटी हुई थी वो सिर्फ फर्स्ट डे ही मेरी मॉडलिटी हुई थी, उसके बाद मैंने पानी खाली करके देखा था तब मुझे दिखा था कि ज़्यादा मॉडलिटी दिखी, और उसके बाद में मुझे फंगल इन्फेक्शन का कुछ प्रॉब्लम दिखा था इसमें। तो दोस्तों अगर आपको फंगल इन्फेक्शन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है, तो मैं इतना श्योरली उनको बोल सकता हूँ या बता सकता हूँ कि आप अगर मेरी सीरीज़ को फॉलो करते हो, जो मैंने डे वन से जो सीरीज़ फॉलो बनाई है, स्टेप वाइज मैंने बनाई है, और जो कि मेरे वीडियो का अभी तक के स्टेप 15 अपलोड हो चुका है, ये वीडियो को मैं भी एडिट करके अपलोड करूँगा, तो वो विदाउट ट्रेनिंग भी यहाँ तक दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है जैसे मैं पहुँचा हूँ, और मुझे तो इस तरीके का कोई बताने वाला था नहीं, तो मैंने खुद ही स्टडी करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरे अगर वीडियो को आप फॉलो करते हो तो फ्रेंड आप बेशक आप यहाँ तक जो है आसानी से पहुँच जाओगे, और कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं दोस्तों तो आप मुझे ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो इसमें दिया होता है उसमें कॉल कर सकते हो। तो फ्रेंड आपने देखा किस तरीके से जो है मेरे फिशेज जो है हेल्दी है, और काफ़ी एक्टिव तरीके से फीडिंग भी कर रही है। तो दोस्तों अभी तक तो कोई टेंशन की बात इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रही है, और जो भी टेंशन था वो लर्निंग समझ के मैंने सारा शो किया है, वो लर्निंग पार्ट है। और जो भी मेरे भाई ये काम को करेंगे वो उसे ज़रूर देखे उस वीडियो को, उससे ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। थोड़ी मेथड डिफरेंट हो सकती है लेकिन जो मेथड है वो प्रैक्टिकल है, जो आपके सामने क्लियर है, और ज़रूर उसे फॉलो करिएगा तो काफ़ी आपको इन फ्यूचर जो भी आप करोगे अगर ऐसी प्रॉब्लम आएंगी तो आपको ज़रूर उससे फ़ायदा मिलने वाला है। और दोस्तों इसके बाद जो है अब मैं वीडियो जो बनाने वाला हूँ, एक अभी पहले अमोनिया टेस्ट का वीडियो बनाने वाला हूँ कि अब अमोनिया जो है 3 डेज़ में क्या जनरेट हुआ है, क्योंकि 2 डेज़ तक तो मुझे कोई अमोनिया उसमें दिखा नहीं क्योंकि बैक्टीरिया भी उसमें काफ़ी एक्टिव थे। अब देखता हूँ कि 3 डेज़ में क्या अमोनिया जनरेट हुआ है, और उस अमोनिया का टेस्ट करने के बाद मैं फ़िलहाल तो नॉर्मली मैं उसमें मोलासेस मिला दूंगा, और CN रेशो का वीडियो अभी नहीं बनाऊंगा। इसके बाद मैं पहले अमोनिया का एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद CN रेशो का एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। उसमें काफ़ी सारी थोड़ी टेक्निकल चीज़ें होती है, काफ़ी उसमें कैलकुलेशन होता है,
तो वो कैलकुलेशन भी हमें पता करना होता है, तो किस तरीके से आप कैलकुलेशन करोगे वो भी मैं शो करूँगा अपने वीडियो में। और दोस्तों यहाँ तक मुझे कितना खर्च आया है और कैसा इसे स्टार्ट करना है, इसके ऊपर भी मैं एक वर्क करने वाला हूँ। और जो कि मैं अभी आज ही के दिन जो है मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ फैमिली के साथ वेकेशन में, तो 10 डेज तक जो है मेरे छोटे भाई है वो इस काम को संभालेंगे। तो उनको मैंने चीज़ें कुछ बताई है कि आप किस तरीके से इसे करना, और दोस्तों फिर देता रहूँगा अपडेट। और दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लग रही होंगी आपको और ये प्रैक्टिकल नॉलेज अगर पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और दोस्तों लाइक बहुत कम आ रहे हैं, और वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, कि कभी कभी क्या होता है कि मेरे कुछ भाई लोग जैसे कि वीडियो थोड़ा कम देखते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन फिर उसमें आते हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन का आंसर करना है और जो मुझे आता है तो ही करूँगा, नहीं आता है तो ज़रूर जो सलाह देते हैं उनकी सलाह भी माननी है। तो दोस्तों वीडियो को जो है एंड तक देखिए, एंड तक मैं जो है सॉल्यूशन में पहुंचता हूँ, प्रॉब्लम के बाद में सॉल्यूशन तक जाता हूँ। जैसे कि मैंने मेरे ट्रीटमेंट वाली वीडियो में भी सॉल्यूशन बताया है कैसा है, और जो मॉडलिटी हुई उसमें भी सॉल्यूशन बताया है, और किस तरीके से जो है मैंने सर्वाइव किया है यहाँ तक। तो दोस्तों इस तरीके से आप ज़रूर फॉलो करिए, स्टेप को फॉलो करिए। 101% मैं बोल रहा हूँ कि आप बगैर किसी ट्रेनिंग के यहाँ तक 101% दोस्तों पहुँच जाओगे। तो ज़रूर फॉलो करिए, और सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी अच्छे से आप इस चीज़ को सीख सकते हो दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।